कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। सर्वप्रथम कार्यक्रम में सत्यता सिंह माता सुरेश पांडे जी, भोला ओझा जी, सत्य पुरा जी, प्रेम भारती जी, आप स्मृति चिन्ह का मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। पूरी से भी लुभाने की कोशिश की जा रही है। क्या अब विकास के नारे सब दूर हो गए या भोजपुरी गीत गवैया के माध्यम से ही वोटरों को लुभाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, आपका ये प्रश्न लोकतंत्र पे ही सवाल खड़ा करता है। वो कोई भोजपुरी के स्टार नहीं थे, वो स्टार भी होते तो भी कोई बहुत बुरी बात नहीं। कि स्टार भी है तो हमारे भोजपुरी का ही तो है, हमारी हमारी मिट्टी का स्टार है। और वो सिर्फ स्टार नहीं बल्कि हमारे सांसद, माननीय सांसद, जिसको जनता ने वोट देकर जिताया, तो आप जनता में उनका प्रश्न उठा सकते हैं। जिस तरीके से देखा जाए कि आप खोइछा और तीज ये सब क्या मांग रही थी जनता? अरे, मैं यहाँ की बहू हूँ, आपके घर में बहू बेटियों को तीज खोइछा नहीं मिलता, जाता है कि नहीं जाता? तो मैं यहाँ की बहू हूँ तो मैं यहाँ पे नहीं तीज खोइछा मांगूंगी, तो जाके इटावा में मांगूंगी कि सफाई में मांगूंगी, पास्टी में तो मांगूंगी, तो मांग रही हूँ। क्या आपको लगता है कि दो बार तो आपको ज़्यादा ही कुछ मिला, अब इस बार सही के एकदम जनता आपको स्नेह प्यार खोइछा उइछा सारा लौटा कर देगी? कभी जनता से वोट नहीं मांगते, मतलब अभी तो ये समय है तो वोट बोलना पड़ रहा है कि आप मुझे वोट दे। हम कभी जनता से वोट नहीं मांगते, हम ये कहते हैं आप मुझे प्रेम दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, वोट तो ऐसे ही निकल आएगा। जो प्रेम देगा, जो आशीर्वाद देगा, वो वोट नहीं देगा, बिल्कुल वोट देगा। लास्ट दौर में चल रहा है चुनाव, तो इस बार का चुनाव क्या लगता है कि आपकी? सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाले हैं। ये जो लोग बना के रखे थे ना, परसेप्शन बना के रखे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, ये और वो, ये तो ऐसे मुंह के बल गिरेंगे कि अभी उठने वाले नहीं। बहुत ही कम जनप्रतिनिधियों को वोट के समय पैसा भी मिलता है, क्या कहना चाहेंगे? वो पैसा को किस तरह से जनता को लौटाएंगे? देखिए, वो जब मुझे दे रहे हैं, जब मेरा खोइछा पहने पासवान बिरादरी की, हरजन बिरादरी की, राजभर बिरादरी की, तरह तरह की बिरादरियों की जब मुझे पहने वो दे रही हैं पैसा। अभी ये गाजर का हलवा जो मैंने मनोज तिवारी को दिया, वो किसी ने मुझे दिया ही था, किसी बहन ने, वो उठा के उनको दिया मैंने। तो मैं खुद इस बात के, इस बोझ के तले मैं दबती जा रही हूँ और दिनों दिन मैं और जिम्मेदार होती जा रही हूँ कि नहीं, ये जनता का प्रेम नहीं है, ये जनता मुझे कांटों के सिंहासन पर बैठाने जा रही है, सबके सम्मान। कार्यकर्ताओं के साथ कुछ अभद्रता भी हो रही है, आप उनको अपने लहजे में जवाब दे रही कि अगर कार्यकर्ताओं के साथ कुछ हुआ तो मैं कीर्ति सिंह सही से जवाब दूंगी 10 तारीख के बाद, कैसा जवाब दूंगी? अब वो तो 10 तारीख के बाद आप देखेंगे। देखिए, भले ही बहू बोलती हूँ पर उतनी भी सीधी हूँ नहीं जितनी दिखे नेता पर। मेरे अपने, अगर मेरे किसी भी अपने पे, चाहे वो मेरा कार्यकर्ता हो, चाहे मेरे संगठन का हो और चाहे आम जनता हो, अगर किसी को किसी ने दबाने का प्रयास किया तो आचार संहिता बोल नहीं रही। 10 तारीख के बाद बोलने के लिए भी स्वतंत्र रहूँगा और जिसने सिखाना शुरू कर दी है वो मेरे साथ इतना कर रहे हैं। अगर मेरे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इतना कर रहे हैं तो जनता उनको इतना जवाब देगी। तो यूपी में मूवमेंट ज़्यादा हो गया, वो सीधे सीधे कह रहा है कि बिजली 300 यूनिट फ्री करेंगे, दिल्ली मॉडल स्कूल करेंगे, दिल्ली के सांसद क्या कहना चाहेंगे? अरे भैया, थोड़ा बोल दीजिए, बोल करे हेलीकॉप्टर मेरा उड़ने में टाइम कम था, तो मैं जब 200 से निकला तो टाइम से गया था, मैं निकल गया।
सांसदीय अखिलेश यादव का कहना है, सांसदीय अखिलेश यादव का कहना है कि हमारी विजय यात्रा निकली तो यूपी से काका यानी कि कृषि कानून बिल भग गया, अब बाबा भी भगने वाले हैं, तो क्या कहेंगे आप भोजपुरी में जवाब दीजिए, क्योंकि भोजपुरी माटी का है। बाबा से यूपी के सौभाग्य जागल बा, ओकरा के कोई दुर्भाग्य में थोड़ी बदली। मोदी योगी के डबल इंजन और बाबा के बुलडोजर कुल मिला के उत्तर प्रदेश के बहुत आगे बढ़ा। यूपी में का कबा, यूपी में का कबा, यूपी में का कबा, यूपी में का कबा, सब बासठी में कितनी।